तो आप है एक स्मार्टफोन फोटोग्राफर और आपको चाहिए प्रोफेशनल क्वालिटी के फोटोज, लेकिन हर बार आप वो बेस्ट इमेजेस नहीं मिल पाते। वेल, तो ये वीडियो है आपके लिए। हे गाइस, प्रणय अगेन, और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जो आपके स्मार्टफोन फोटोग्राफी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला टिप है वो है क्लीन अप योर लेंस। जब भी आप फोटोज ले तो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो लेंस है फ़ोन का वो क्लीन रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट्स की वजह से या फिर कहीं रखने की वजह से उसमें कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं जो हम नोटिस नहीं करते, और जब हम फोटोज़ लेते हैं तो हमें फ़ोटोज़ ब्लरी नज़र आती है, और आप सेटिंग्स चेंज करते रहते हैं लेकिन वो ब्लरीनेस नहीं जाता। तो इसका एक्चुअल रीज़न हो सकता है आपका लेंस, उसको पहले क्लीन कीजिए और फिर फोटोज़ लीजिए और आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। जो सेकेंड टिप है वो है यूजिंग द HDR मोड। अगर आपको नहीं पता है कि HDR मोड क्या होता है तो ये बेसिकली होता है हाई डायनामिक रेंज। इसमें आपका कैमरा 3 फोटोज़ लेता है एक ही टाइम पे, एक लेता है अंडर एक्सपोजर में जो थोड़ा सा डार्क होता है, एक लेता है ओवर एक्सपोजर में जो थोड़ा सा ब्राइट होता है, और एक लेता है प्रॉपर एक्सपोजर में जो एक बैलेंस फोटो होता है, और फिर आपका कैमरा उन तीनों को मिला के आपको एक सिंगल इमेज देती है जिसको हम कहते हैं HDR इमेज। HDR इमेज नॉर्मल इमेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो हाईलाइट्स होते हैं जो शेडोज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियल लगती है, ड्रामेटिक लगती है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपने अभी तक HDR मोड को यूज़ नहीं किया है तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और फोटोज लीजिए। यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हैं HDR मोड के साथ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आपका जो फ़ोन है वो एक ट्राइपॉड पे या किसी स्टेबल सरफेस पे माउंट हो, क्योंकि नाइट में HDR मोड यूज़ करने से अगर आपका फ़ोन ज़्यादा सा भी शेक करता है तो इमेज आपकी ब्लरी हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो थर्ड टिप है वो है यूजिंग द मैनुअल मोड। अब इस मोड का नाम सुन के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोड है और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सिंपल मोड है, आपको बस प्रैक्टिस चाहिए और आप इसे आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो मैनुअल मोड की सबसे बड़ी जो एडवांटेज होती है वो है आपका पूरा कंट्रोल रहता है आपकी इमेज के ऊपर। आप शटर स्पीड को, ISO को, वाइट बैलेंस को, मैनुअल फोकस, इन सबको चेंज करके क्रिएटिव फोटोज ले सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस मोड को यूज़ नहीं किया है तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपको ये बहुत आसान मिलेगा। मैनुअल मोड में जाने के लिए आपको अपने कैमरा के सीन मोड में जाके मैनुअल मोड को, या फिर प्रो मोड के नाम से भी कई फोन में आता है, तो दोनों में से किसी को चूज़ कीजिए, एक ही काम करता है, डिफरेंट फोन में डिफरेंट नाम से होता है, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। जो फोर्थ टिप है वो है ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस क्या होते हैं? ग्रिड लाइंस आपने देखा होगा कि आपके कैमरा स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस आते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जो आपके फ्रेम को डिवाइड करती है, आपको ये समझने में हेल्प करती है कि आप कौन सी चीज़ आपके फ्रेम में रखना चाहते हैं और कौन सी चीज़ को रिमूव करके आप फोटो को और अच्छे से ले सकते हैं। तो ग्रिड लाइंस एक बहुत ही काम का फीचर है, अगर आपने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स को यूज़ करते हैं और ये काफ़ी काम आता है। और जो फिफ्थ स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है हमारा, वो है डिजिटल जूमिंग। डिजिटल जूमिंग नहीं करना है आपको। डिजिटल जूमिंग क्या होता है? जब आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपसे दूर है और आप उसे पास आना चाहते हैं तो आप उसको जूम करते हैं, और अगर आपके फ़ोन में एक ही कैमरा है तो आप डिजिटल जूम करते हैं, जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है और इमेज जो है वो उतना अच्छा नहीं रहता। तो डिजिटल जूमिंग कम हो सके जितना हो सके कम यूज़ कीजिए, और अगर आपके फ़ोन में एक डुअल कैमरा है, जो कि आजकल हर फोन में आ जाता है, चाहे वो बजट हो, मिड रेंज हो और फ्लैगशिप में तो होता ही, तो डुअल कैमरा में क्या होता है कि आपको ऑप्टिकल जूमिंग दिया जाता है जिसमें आपका सेकेंड लेंस जो है वो काम में आता है और सब्जेक्ट को और पास ले आता है विदाउट इमेज क्वालिटी को बिना ख़राब किए वो आपके सब्जेक्ट को आपके क्लोज ले आती है। तो ये एक अच्छा फीचर है, अगर आपके पास डुअल कैमरा फ़ोन है तो आप ऑप्टिकल जूम कीजिए, और अगर सिंगल कैमरा है तो आप पहले पूरे फ्रेम का फ़ोटो ले लीजिए और फिर आपको जितना हिस्सा चाहिए आप उसको क्रॉप करके सेव कर लीजिए, इससे आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ठीक रहती है और डिजिटल जूमिंग की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको ज़रूर काम लीजिए। तो ये थे हमारे आज के 5 टिप्स स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। सी यू सून। टाटा।